हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे द स्टार मूवी, जहां एक डोंकी और उसके दोस्त मिलकर एक मैजिकल बेबी की रक्षा करते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये मूवी पसंद आएगी, और ऐसी ही दूसरी अमेजिंग मूवीज देखने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी शुरू होती है नाजरेत नाम की एक सिटी से, जहां एक मैरी नाम की लेडी डिनर तैयार कर रही है। वो देखती है कि एक छोटा रैट उसका खाना चुरा रहा है, और वो दया करके उसमें से एक टुकड़ा उसे दे देती है। तभी वो एक तेज रोशनी को देखती है, और उससे निकली आवाज उसे बताती है कि जल्दी ही तुम्हारे यहाँ एक मैजिकल बेबी आने वाला है। मैरी को पता चलता है कि ये बेबी आने वाले टाइम में यहाँ का किंग होगा, और वो आवाज उसे उसका ध्यान रखने को कहती है। मैरी भी इसे कुदरत का हुक्म मानकर तैयार हो जाती है, और देखती है कि वो रोशनी वहाँ से निकलकर एक स्टार बन गई है, जो बहुत तेजी से चमक रहा है। वो रैट भी ये सब देख लेता है, और तुरंत ये खबर अपने दोस्तों को देने जाता है। आगे के सीन में हम दूसरे जानवरों को देखते हैं, जो सभी उस चमकते हुए स्टार को देखकर बहुत हैरान होते हैं। इन्हीं में से एक है बो नाम का डोंकी, जो अपने डैड के साथ मिलकर एक चक्की में काम करता है। वो डैड को बताता है कि शायद ये स्टार उसकी किस्मत बदलने वाला है, और वो जल्दी ही इस कैद से आजाद हो जाएगा। लेकिन उसके डैड उसे काम पर ध्यान देने को कहते हैं। सुबह उसका फ्रेंड डेव उससे मिलने आता है, और बताता है कि आज उनकी सिटी से शाही सवारी निकलने वाली है। वो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है, और अपने डैड से कहता है कि शायद स्टार ने उसकी किस्मत बदल दी है। उसके डैड उसे ये सपना देखने से मना करते हैं, लेकिन वो कहता है कि एक दिन वो शाही सवारी में शामिल होकर सबको प्राउड फील कराएगा। तभी उन्हें बेल की आवाज़ सुनाई देती है, और वो देखता है कि सवारी उनके शेड के बाहर आ पहुंची है। वो अपनी रस्सी काटने का प्लान बनाता है, और एक छोटे से मिसहैप के बाद खुद को आजाद कर लेता है। तभी चक्की का मालिक वहां आ जाता है, और शेड की हालत देखकर बो को एक चैन से बांध देता है। बो सवारी को जाते हुए देखता है, और गुस्से में कहता है कि ये भेड़िया उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी। आगे का सीन 6 महीने बाद का है, और हम देखते हैं कि वो अभी भी वहीं बंधा हुआ है। फाइनली उसके डैड को उस पर तरस आ जाता है, और वो घायल होने की एक्टिंग करके उसे चैन से बाहर निकाल देते हैं। मालिक के आने के बाद वो उसे भागने को कहते हैं, और बताते हैं कि यही मौका है जब वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वो मालिक से बचते हुए भागने लगता है, और इसी चक्कर में उसका एक पैर घायल हो जाता है। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है, और तभी उसे सामने एक घर दिखाई देता है। पता चलता है कि उसी लड़की मैरी का घर है, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो यहाँ अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ रहती है, और काफी दिनों से भविष्यवाणी के बारे में उसे बताने की कोशिश कर रही है। तभी उसे टेबल के नीचे छुपा हुआ बो दिखाई देता है, और वो देखती है कि उसके पैर में चोट लगी है। वो अपने दुपट्टे से उसकी बैंडेज करती है, और उसका नेचर देखकर बो भी उसे पसंद करने लगता है। तभी जोसेफ भी वहाँ आ जाता है। वो बो को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी कहती है कि शायद उन्हें इसे यहीं रख लेना चाहिए। मैरी यहाँ मौका देखकर जोसेफ को भविष्यवाणी के बारे में बताती है, और थोड़ा घबराने के बाद वो भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। इधर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ डेव आता है, और उसे समझाता है कि बाहर मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है। वो पैर ठीक होने तक उसे यहीं रुकने को कहता है, ताकि फिर वो यहाँ से भागकर शाही सवारी में शामिल हो सके। आगे हम 3 बुद्धिमान व्यापारियों को देखते हैं, जो अपने कैमल्स साइरस, डेबरा और फिलिक्स के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। पता चलता है कि वो सब मैजिकल बच्चे को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, और इसी चक्कर में यहाँ के किंग से मिलने आए हैं। किंग को लगता है कि ये सब गिफ्ट उसके लिए हैं, लेकिन वो लोग बताते हैं कि ये आने वाले उस नए किंग के लिए हैं। किंग ये सुनकर परेशान हो जाता है, और मंत्री से तुरंत अपने हंटर को बुलाने को कहता है, जिसके पास थैडियस और रूफस नाम के 2 खूंखार डॉग्स हैं। फिर वो सैनिकों से उन व्यापारियों को बंदी बनाने को कहता है, और हंटर को उस बच्चे को ढूंढकर मारने के लिए भेजता है। आगे हम मूवी के शुरू वाले उस रैट को देखते हैं, जो बाकी एनिमल्स को उस भविष्यवाणी के बारे में बता रहा है। तभी रूफस उसे पकड़ लेता है, और उससे आने वाले किंग के बारे में पूछता है। रैट भी डर के मारे उन्हें सब कुछ बता देता है, और वो लोग हंटर के साथ नाजरेत की ओर निकल जाते हैं। इधर हम बो को देखते हैं, जो मैरी के घर में इंजॉय कर रहा है। और तभी वो देखता है कि जोसेफ उसे बग्गी में जोड़ने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि जोसेफ और मैरी किसी काम से बेथलेम सिटी जा रहे हैं, लेकिन डेव बो को बताता है कि इससे वो शाही सवारी से दूर चले जाएंगे। वो जोसेफ से बचने की बहुत कोशिश करता है, और ये देखकर मैरी पैदल ही वहाँ तक जाने को कहती है। वो लोग दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि हंटर भी उनकी सिटी तक आ पहुँचा है।
वो अपने डॉग्स के साथ मैरी के घर आता है, जहाँ थैडियस और रूफस बो को देखते हैं। बो उन्हें मैरी के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी उन्हें दुपट्टे से बनी वो बैंडेज दिखाई देती है और उसकी गंध लेकर वो मैरी को ढूंढने निकल जाते हैं। बो को मैरी की बहुत चिंता होती है और डेव की लाग समझाने पर भी वो मैरी को बचाने निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये सब थैडियस और रूफस का प्लान था और वो हंटर के साथ बो का पीछा करने लगते हैं। डेव के बताए शॉर्टकट से वो लोग जल्दी ही मैरी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके लिए बो को एक गहरी घाटी में उतरना होगा। हिम्मत करके वो नीचे उतरने लगता है, जहाँ उसे रूथ नाम की एक शिप दिखाई देती है। वो उसे बताती है कि मैं अपना झुंड छोड़कर उस स्टार का पीछा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ एक मैजिकल बेबी आने वाला है। फिर वो नीचे उतरने में उसकी मदद करती है और देखती है कि वो बैथलेहम जा रहे हैं। वो उसे मैरी और उस हंटर के बारे में बताता है और ये सुनकर रूथ भी उनके साथ आने को तैयार हो जाती है। यही हम हंटर को भी देखते हैं, जो उनके पीछे यहाँ भी आ पहुँचा है और अपने डॉग्स के साथ उन्हें पकड़ने निकल जाता है। उधर महल में वो तीनों कैमल छुपकर किंग की बातें सुनने जाते हैं और देखते हैं कि किंग उस बेबी को मारने का प्लान कर रहा है। किंग भी कुछ सोचकर उन तीनों व्यापारियों को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम उस नए किंग को ढूंढने जा सकते हो। कैमल्स भी समझ जाते हैं कि वो उनके मालिकों की मदद से उस बेबी तक पहुंचना चाहता है और वो किसी तरह नए किंग को वॉर्न करने की सोचते हैं। इधर वो जल्दी ही मैरी तक पहुंच जाता है और वो दोनों उसे यहाँ देखकर बहुत हैरान होते हैं। बो रूथ के साथ मिलकर उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ पाते। तभी वो देखते हैं कि हंटर ठीक उनके पीछे है और रूथ उन्हें सामने लगे एक मेले में छुपने का आइडिया देती है। वो तुरंत मैरी को खींचकर मेले में ले जाता है और हंटर भी वहाँ आकर भीड़ में मैरी को ढूंढने लगता है। वो एक आदमी को हंटर समझकर उसका ध्यान भटकाने जाता है, लेकिन देखता है ये तो कोई और ही है। इधर हंटर मैरी को ढूंढ लेता है और अपने डॉग्स को बांधकर उसे मारने जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा और वो जोसेफ की बग्गी को मेले की ओर धकेल देता है। बग्गी से मेले में बहुत टूट फूट होती है और इसी चक्कर में हंटर एक कुएं में गिर जाता है। वो फिर से मैरी को खींचता है और वो देखती है कि ये सारा नुकसान उसी की वजह से हुआ है। हंटर के डॉग्स भी बंधे होने के कारण उन्हें नहीं रोक पाते और वो सब मेले से निकल जाते हैं। जोसेफ मेले में हुए नुकसान से बहुत नाराज होता है और कहता है कि अब वो इस डोंकी को अपने साथ नहीं रख सकता। मैरी उसे शांत करती है, लेकिन जोसेफ बो की ओर जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। बो भी उदास होकर डेव के साथ वहाँ से जाने लगता है और रूथ के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। यही एक सीन में हम हंटर को देखते हैं, जो कुएं से बाहर आ गया है और अपने डॉग्स के साथ एक बार फिर मैरी के पीछे चला जाता है। इधर हम मैरी को देखते हैं, जो बो के जाने से बहुत दुखी है, लेकिन वो तो डेव के साथ शाही सवारी की ओर जा रहा है। जल्दी ही उन्हें वो सवारी मिल जाती है और भागते हुए वो देखता है कि मैरी की बंदी बैंडेज खुल गई है। उसे लगता है कि मुझे मैरी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था और वो डेव को अकेले ही आगे जाने को कहता है। डेव उसका साथ छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सपना अकेले पूरा नहीं कर सकता। फिर वो दोनों मैरी को ढूंढने निकल जाते हैं। आगे के सीन्स में हम देखते हैं कि जोसेफ की बग्गी टूट गई है और फ्रस्ट्रेशन में वो मैरी पर नाराज हो जाता है। मैरी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर जोसेफ को बहुत बुरा लगता है। तभी वो देखता है कि वो वापस आ गया है और उसे मैरी के पास जाने को कह रहा है। वो मैरी से माफी मांगता है और कहता है कि हम मिलकर इन प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। फिर वो मैरी को खुद पर बिठाकर आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो व्यापारी और हंटर भी बेथलेहम की ओर जा रहे हैं। जल्दी ही ये लोग सिटी तक पहुंच जाते हैं और जोसेफ आराम करने के लिए एक होटल ढूंढने लगता है। तभी बो को अपना पुराना मालिक दिखाई देता है, जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और डेव और रूथ ये देखकर उसे बचाने जाते हैं। जोसेफ को भी कहीं रूम नहीं मिलता और वो देखता है कि बो भी कहीं गायब हो गया है। इधर व्यापारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कैमल्स को बांधकर उस बेबी को ढूंढने निकल जाते हैं। आगे हम बो को देखते हैं, जिसके मालिक ने उसे एक बेड़े में बांध दिया है और वहाँ उसे कुछ दूसरे एनिमल्स मिलते हैं। वो बो को बताते हैं कि स्टार की रोशनी सीधा उनके मैंगर पर पड़ रही है और इसी वजह से वो पिछले 9 महीने से सो तक नहीं पाए हैं। वो समझ जाता है कि वो मैजिकल बेबी यहीं पैदा होने वाला है और इसीलिए स्टार की रोशनी उन्हें यहाँ ले आई है। वो उन एनिमल से अपनी मदद करने को कहता है और उसकी बातें सुनकर वो उसे बेड़े से बाहर निकाल देते हैं। वो मैरी को ढूंढने जाता है और देखता है कि हंटर भी वहाँ पहुँच गया है।
भागते हुए उसे डेव और रूथ मिलते हैं और वो उन्हें हंटर्स के डॉग का मुकाबला करने के लिए मदद लाने को कहता है। डेव हेल्प लेने सिटी की तरफ जाता है और रास्ते में उसे बंधे हुए वो कैमल्स दिखाई देते हैं। रूथ भी वापस अपने झुंड के पास जाती है लेकिन वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते। गुस्से में वो जोर से चिल्लाती है और तभी आसमान से वही मैजिकल रोशनी आती है। एक आवाज उन सबको उस मैजिकल बेबी के बारे में बताती है और झुंड रूथ का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम जोसेफ को देखते हैं जो अभी भी एक होटल ढूंढ रहा है और मैरी की तबीयत खराब होते देख वो उसे बाहर ही आराम करने को कहता है। तभी उन्हें ढूंढता हुआ वो वहाँ आता है और देखता है कि हंटर मैरी की ओर ही बढ़ रहा है। वो भागकर उन दोनों के पास आता है और उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करता है। हंटर भी उन्हें देखकर उनका पीछा करता है लेकिन वो किसी तरह उन्हें बचाकर बेड़े में ले आता है। वहाँ वो देखते हैं कि एनिमल्स ने जगह को साफ कर दिया है और जोसेफ मैरी को मैंगर के पास बिठा देता है। वो एनिमल्स को थैंक्स बोलकर बाहर आता है और देखता है कि वो डॉग्स उसी तरफ आ रहे हैं। वो उनसे लड़ना शुरू करता है लेकिन देखता है कि हंटर भी वहाँ आ पहुँचा है। वो हंटर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं। हंटर बेड़े की ओर बढ़ता है और इससे पहले कि वो अंदर जा पाए रूथ अपने झुंड के साथ आकर उन पर हमला कर देती है। तभी डेव भी वहाँ आ जाता है और उसके साथ आए कैमल्स हंटर और उसके डॉग्स को घसीट कर खाई में लटका देते हैं। वो को उन्हें ऐसा देखकर उन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है। तभी उन्हें बेबी की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुनकर हंटर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वेट कम करने के लिए वो अपने डॉग्स को नीचे फेंक देता है और वो उन्हें बचाने उनके पीछे जाता है। हंटर ऊपर आने के लिए अपनी तलवार का यूज करता है लेकिन इससे चट्टान टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। इधर वो किसी तरह उन डॉग्स को गिरने से बचा लेता है और अपने दोस्तों की मदद से वापस ऊपर ले आता है। फिर वो उनकी चेन्स खोल देते हैं और उन डॉग्स को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आगे वो लोग वापस बेड़े में आते हैं और वो और बाकी एनिमल्स उस बेबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वो दोनों डॉग्स भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें उदास देखकर वो उन्हें भी उस बेबी से मिलवाता है। आगे हम उन व्यापारियों को आते हुए देखते हैं जो उस बेबी को अपने गिफ्ट देने आए हैं। सभी लोग सर झुकाकर अपने होने वाले किंग को रिस्पेक्ट देते हैं और वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी मैरी उसे रोककर अपने साथ ही रहने को कहती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।